भगवान शिव के भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार है आदि कैलाश। महादेव के पंच कैलासों में से एक है आदि कैलाश। ये भूमि ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जहां आपको ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। तो चलिए आज हम आपको हिंदुस्तान की देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक आदि कैलाश की यात्रा करवा रहे हैं। आदि कैलाश की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड आना होगा, क्योंकि आदि कैलाश पिथौरागढ़ जिले में हिमालयी वादियों के बीच समुद्र तल से 5,945 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़, आकाश को चूमते हुए शिखर, आध्यात्मिकता से भरपूर नारायण आश्रम और कलकल बहती हुई काली गंगा और दैवी शक्तियों से भरपूर प्रकृति के दर्शन होंगे। फिर जब आप इन घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आखिर में आपको ओम की आकृति वाला ओम पर्वत नजर आएगा, जिसे दुनिया ओम पर्वत कहती है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए आपको पिथौरागढ़ जिले के धारचूला कस्बे से गुजरना होता है। फिर यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट लेना होगा। यह कोई वीजा नहीं है, यह केवल यात्रियों और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से एक परमिट है, जिसके बिना किसी को भी आदि कैलाश यात्रा की इजाजत नहीं। आदि कैलाश यात्री यह परमिट अपने आधार कार्ड के जरिए धारचूला तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा उच्च हिमालयी इलाके में की जाने वाली एक धार्मिक यात्रा है, जिसका पैदल मार्ग करीब 105 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा को पूरा करने में करीब 15 से 16 दिन लग जाते हैं, जिसमें 30,000 से 40,000 का खर्च आ सकता है। वहीं यह यात्रा मई और जून के महीने में करना सबसे सुरक्षित है, क्योंकि बाकी महीनों में यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा रहती है। आदि कैलाश जो यात्री दिल्ली या दूसरे प्रदेशों से जाते हैं, उन्हें सबसे पहले उत्तराखंड आना होता है। फिर पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंचने के बाद वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर तवाघाट यात्री पहुंचते हैं, जहां अक्सर एक दिन रात्रि विश्राम होता है। यहां से अगला पड़ाव पांगू है। यह एक भोटिया जनजाति के लोगों का गाँव है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए नारायण आश्रम पहुंचेंगे। फिर यहां से महत्वपूर्ण पड़ाव सिरखा तक पहुंचते हैं, जो कि नारायण आश्रम से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात अगला पड़ाव 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाला है, जिसके पश्चात यात्री बूंदी के लिए प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव बूंदी के पश्चात 9 किलोमीटर दूर मौजूद गर्भ्यांग है। फिर आगे बढ़ने के बाद कुटी गांव आता है, जो यात्रा का दूसरा अंतिम पड़ाव है। यहाँ यात्री विश्राम करने के बाद जोलीकांग पहुंचते हैं, जहां से आदि कैलाश के भव्य दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।